इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दरअसल ज्यादातर जानवरों के लिए दिन की शुरुआत से लेकर देर रात तक सभी काम रोशनी और अंधेरे से तय होते हैं। दिन की लंबाई से ही जानवर ये तय करते हैं कि उन्हें भोजन कब करना है, कब तक घूमना है, कब तक सोना है और कब दूसरी जगह पर चल देना है। इतना ही नहीं, जानवरों के सेक्स का समय भी दिन रात के चक्र से ही निर्धारित होता है। सूरज की चाल और चांद के आकार से भी जानवरों का रवैया बदलता है। सेक्स के टाइम पर भी पड़ता है असर। 28 दिनों में चांद के घटने बढ़ने की रफ्तार को जानवर भी बखूबी समझते हैं और वे इसके हिसाब से ही अपने सेक्स और प्रजनन का टाइम चुनते हैं। कई जीव पूर्णिमा के दिन अंडे और बच्चों को जन्म देते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान छा जाने वाले अंधेरे को भी जानवरों की सेक्स लाइफ से जोड़कर देखा जाता है। दिन में सक्रिय रहने वाले जानवर हैरान रह जाते हैं, वे अपने रात के ठिकाने की ओर जाने लगते हैं। वहीं रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को लगता है कि वो शायद ज्यादा सो गए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती और कुछ देर के लिए जानवरों को अंधेरा नजर आने लगता है। वहीं मकड़ी की कुछ प्रजातियां सूर्य ग्रहण लगने पर अपने जालों को तोड़ना शुरू कर देती हैं, जबकि आम दिनों में वे दिन ढलने के वक्त ऐसा करती हैं। हालांकि जैसे ही ग्रहण की काली छाया हटती है, वे फिर से इसे बनाने में लग जाती हैं। कुछ इसी तरह से मछलियों और चिड़ियों के लिए हैरान कर देने वाली स्थिति बन जाती है। दिन के वक्त एक्टिव रहने वाली मछलियां और चिड़िया ग्रहण के समय रात में आराम करने वाले अपने ठिकानों की तरफ बढ़ जाती हैं। इसी तरह रात में सक्रिय रहने वाले जीव अचानक से बाहर निकल आते हैं, वे अचानक अंधेरा हो जाने से कंफ्यूज हो जाते हैं। जानवरों के रवैये की बात करें तो समुद्री वेल या बड़ी मछलियां किनारे पर आ जाती हैं, चमगादड़ बाहर आ जाते हैं, पूरा जीवन चक्र कुछ समय के लिए गड़बड़ आ जाता है। शोर मचाने वाले जानवर खामोश हो जाते हैं और आराम करने वाले चीखने लगते हैं। दरियाई घोड़े पर नजर रखी गई तो पाया गया कि ग्रहण के समय वे नदियों से दूर जाने लगे, जहां उन्हें रात में रुकना होता है। हालांकि कुछ दूरी पर जाने के बाद जब ग्रहण निकल जाता है और उजाला हो जाता है तो वो काफी परेशान होते हैं और थक जाते हैं। इसी तरह ग्रहण के समय कुत्तों के बर्ताव को कभी नोटिस कीजिए। कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुछ भ्रमित और चिंतित नजर आते हैं, जैसे अचानक गोली चलने या धमाका होते समय जानवर घबरा जाते हैं। कुछ वैसी ही स्थिति ग्रहण के समय भी बनती है। चंद्र ग्रहण के समय में भी रात में चांद की रोशनी अचानक हट जाती है और अंधेरा छा जाता है। ऐसे में उल्लू जैसे पक्षियों और जानवरों के लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है।